छह दिन की मुसलसल भाग दौड़ और खुराक की कमियाबी ने उसकी सेहत पर कोई खास असर तो नहीं किया था, लेकिन अफसराने आला ने उसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया था, जिसके बाद उसे दो दिन मुसलसल आराम की हदायत की गई थी। जमशेद के लिए एक लम्हा कीमती था। उसने इन दो दिनों के दरमियान इत्मीनान से अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी और सरहद अबूर करने से वापसी तक के तमाम वाकयात और आखिर में खानम और साईं लोग से मुतल्लिक अपनी सफारशात लिखी थी। तीसरे दिन जब उसे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ले जाया गया तो आला अफसरान का एक बोर्ड मेजर जनरल की सरबराही में उसका इंटरव्यू ले रहा था। उसके सामने मेज पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के छह आला दिमाग बैठे थे। उन सब के सामने उसकी फाइल करदा रिपोर्ट की कापियां धरी थीं, जिनका उन्होंने बगौर मुतालिया करने के बाद मुख्तलिफ जगह निशानात लगाए थे। उसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला मुसलसल छः घंटे चलता रहा। इस दरमियान मुतअद्दिद मर्तबा चाय, काफ़ी और सैनिक सर्व किए गए। छः घंटे बाद उसे दो घंटे आराम की मोहलत दी गई, लेकिन इन अफसरान का बहम सलाह मशवरा जारी रहा। वडेरों से है इस रिपोर्ट में शक जहर किया गया था के वडेरा सज्जल का करीबी रिश्तेदार होने की वजह से वडेरा सोलंगी शायद मुख्तलिफ वारदातों, जिसमें हुक्मदाद का नाम ही लिखवा देता है, और इस इलाके में होने वाली अक्सर लूटमार की वारदातों का जिम्मेदार हुक्मदाद ही को ठहरा कर उसके जरैम में इजाफा करवाता रहता है। ये बात तो रिकॉर्ड पर थी कि हुक्मदाद और वडेरा सोलंगी की आपस में दुश्मनी है और हुक्मदाद उस पर दो मरतबा कातलाना हमला भी कर चुका है। कैप्टन जमशेद को अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी। उसके सामने परवीन खानम, वडेरा सुलंगी और हुक्मदाद के नाम नुमाया हो रहे थे। उसे तकोन के तीन जाविये दिए गए थे और अब चौकोर मुकम्मल करने के लिए साईं लोग की असलियत दरकार थी। अगले रोज उसने अपने एक इंस्पेक्टर को साईं लोग के खानदानी पस मंजर समेत मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए उसकी तरफ रवाना कर दिया, जबकि दूसरे को खानम की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके अगले 48 घंटों में पेश करने का हुक्म दिया। मकामी टीवी स्टेशन का पीआर और सबानी उसका क्लास फेलो और कॉलेज के ज़माने का बेहतरीन दोस्त था। दोनों कभी कभी फ़ोन पर एक दूसरे के हाल अहवाल दरियाफ्त कर दिया करते थे। इस रोज़ जब उसने फ़ोन पर सुबहानी को बताया कि उसकी पोस्टिंग कराची हो गई है तो सुबहानी की बाछें खिल गईं। शुक्र है यार, हम भी किसी पर रोप डालने के काबिल हुए, उसने फोन पर ही हंसते हुए कहा। शाम को दोनों ने एक होटल में मिलने का प्रोग्राम बना लिया। इस होटल से उनकी कॉलेज के जमाने की बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। दोनों इकट्ठे ही होटल पहुंचे थे। जमशेद जानबूझकर यहां टैक्सी के जरिए आया था। सुबहानी ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। दोनों कुछ देर तक कॉलेज की जमाने की यादें दोहराते रहे। फिर अचानक ही जमशेद ने बरसरे मतलब उससे पूछ लिया, ये परवीन क्या चीज है यार, बड़े ड्रामों में आ रही है, क्या बात है प्यारे, क्या चक्कर है? सुबहानी ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाते हुए पूछा। जमशेद ने उसे असली बात तो नहीं बताई, अलबत्ता उससे परवीन के मुतालिक तमाम मुमकिन मालूमात जरूर हासिल कर ली, जिनमें अहम तरीन नुकता यह था कि परवीन को मौजूदा मकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ खानम का है। जमशेद का माथा ठंका। गुज़िश्ता साल उसकी एक टीवी सीरियल तूफान बड़ी कामयाब रही, जमशेद ने अगली बात कही। हाँ यार, तब मैंने नया नया चार्ज दिया था, साली है बहुत नखरे वाली। इन दिनों उसकी तरफ से अजीब फड्डा पड़ गया था। आखिरी दो तीन शूटिंगों का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, बल्कि एक हफ्ता तो ड्रामा ऑन एयर ना हो सका। सुबहानी ने कुछ याद करते हुए कहा। जमशेद को अब सब कुछ समझ आ गया था। क्या हुआ था? अरे होना क्या था, सुना था साली अपने किसी यार के साथ कुल छरे उड़ाने में मसरूफ थी और यहाँ सारा शूटिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा था। दो शूटिंगें कैंसिल हो गईं, खानम की तरफ से उसकी बीमारी का बहाना बनाया गया, हालांकि बीमार वगैरह कुछ नहीं थी। सुबहानी ने बददिली से कहा। तुम्हारे यहाँ नारे डायरेक्टर वगैरह का कुछ रिकॉर्ड तो होता होगा? जमशेद ने अगला सवाल कर दिया। हाँ, तुम्हें लेकिन खैरियत तो है ना?
सुबहानी अब कुछ कुछ संजीदा हो रहा था। खैरियत ही है यार, दरअसल एक इंक्वायरी आई है जिसके लिए मैं खार हो रहा हूँ, सोचा तुम सोनिहारी ही मदद ले लूँ। चलो लानत डालो इस मौजू पर, बातें होती रहेंगी। तुम कल मुझे मुकालमे वाला रजिस्टर वगैरह दिखा देना। कुछ तारीखें गुड़मुड हो रही थीं और तुम उन फौजी अफसरों को जानते हो ना, हर शय उन्हें डिसिप्लिन में चाहिए। हर वाक़े की तारीख, मकाम, वक्त, क्या मुसीबत है अच्छा सुनाऊं, कभी खान भी मिलता है या साला अकेले ही गुलछड़े उड़ा रहा है। उसने अपने एक और साथी की तरफ बातों का रुख मोड़ दिया। सुबहानी ने उसके साथ मिलकर अपने तीसरे दोस्त खान को दो तीन गालियां दी और उसकी बेवफाई का रोना धोना शुरू कर दिया। कैप्टन जमशेद ने कुछ वक्त उसके साथ गुजारा, फिर अगले रोज उससे टीवी स्टेशन पर मुलाकात का वादा करके चला गया। अगले रोज जब उसने पुराने रिकॉर्ड्स से तूफान सीरियल के रजिस्टर निकालकर चेक किए तो उसे इल्म हुआ कि सेठ हांडीवाला के कत्ल के बाद से उस रोज तक प्रवीण ने शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर ने अपने रिमार्क्स में उसे सख्त सुस्त कहा था और हेडक्वार्टर को उसके खिलाफ इंजिबाती कार्रवाई की दरखास्त भी की थी। प्रवीण की तरफ से कराची के एक बड़े अस्पताल का सर्टिफिकेट दाखिल करवाया गया था जहां वो 8 रोज बीमारी की वजह से दाखिल रही, जिस पर स्टेशन डायरेक्टर ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। कैप्टन जमशेद ने उसके दाखिले की तारीखें नोट की और उस अस्पताल का रुख किया। अपना तारुफ करवाने के बाद उसने प्राइवेट रूम्स में दाखिल रहने वालों का इन दिनों का रिकॉर्ड तलब किया और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के इल्म में लाए बगैर इधर उधर की बातें करके अपने मतलब की बात निकाल ली। ये रजिस्टर बता रहा था कि इन दिनों में किसी वार्ड या कमरे में प्रवीण नाम की कोई लड़की दाखिल ही नहीं रही, जिससे साफ समझ आता था कि सर्टिफिकेट जेली था और ऐसे जेली सर्टिफिकेट बनाना इस माशरे में कोई मुश्किल बात नहीं थी। खानम ने भी खानापुरी के लिए ऐसा कर दिया होगा। खानम के पेश करदा सर्टिफिकेट पर किसी को एतराज करने की जुरत कहाँ होगी। जमशेद ने अमले का तआवुन के लिए शुक्रिया अदा किया और बहर आ गया। अब वो बिल्कुल क्लियर था। उसे यकीन था कि सेठ हांडीवाला के अगवा और कत्ल के जुर्म में परवीन या तो शामिल थी या उसे कोई मालूमात जरूर हासिल हैं। अपनी रिपोर्ट और मुमकिन इकदामात से मुतल्लिक उसने तफसीलन आला हुकाम को आगाह कर दिया। वो जो कुछ करने जा रहा था उसके लिए ओसी साहब ने हेडक्वार्टर की इजाजत जरूरी समझी, जो उन्हें मिल गई। ऑल राइट जेंटलमैन, डू इट नाउ, उन्होंने जमशेद की कमर पर थपकी देते हुए कहा। गुज़िश्ता 5 रोज से वो बहुत सख्त आसाबी जंग लड़ रहा था जिसने उसे थका डाला था। अब किसी एक नतीजे पर पहुंचने के बाद वो खुद को कदरे सहूलत में महसूस कर रहा था। उसने अपने कमरे में पहुंचकर गरम गरम काफी मंगवाई और कुछ सोचते हुए परवीन का वो खसूसी टेलीफोन नंबर घुमाया जो उसे सुबहानी ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी भारी भरकम मर्दाना आवाज ने हेलो किया। जी मुझे मैडम प्रवीण से मिलना है, उसने अंग्रेजी में कहा। दूसरी तरफ से मिली जुली जबान में उसका तारुफ दरियाफ्त किया गया। जमशेद ने अपना तारुफ एक अमेरिकन नेशनल प्रोमोटर की हैसियत से करवाया, अपनी एक जेली कंपनी का नाम लिया और बताया कि वो यूरोप और अमरीका में 3 प्रोग्रामों के लिए मैडम प्रवीण से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से उसे बताया गया कि वो शहर में नहीं है, लेकिन मुझे तो परसों की फ्लाइट से वापस जाना है, अगर उनकी आमद का कुछ इल्म हो तो मैं 1-2 दिन रुक भी सकता हूँ, उसने पता फेंका। 1 मिनट दूसरी तरफ से कहकर बात करने वाले ने फोन किसी औरत को दे दिया जिसने उससे अंग्रेजी में बात की थी, पढ़ी लिखी औरत मालूम होती थी। जमशेद ने जल्द ही उसे शीशे में उतार दिया। मैडम की वापसी कल रात की फ्लाइट नंबर PK410 से है, आप उन्हें परसों सुबह 10 बजे मिल सकते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। जमशेद ने बड़ी गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। उसने फोन पर ही आधी जंग जीत ली थी। उसके साथ ही आज की हमारी एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।